Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. चैनल दी फैशन सीड, दिस इज मी राखी. मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था मामा अर्थ की, जो पूरी हेयर फॉल किट है उसके ऊपर. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया एंड बोला कि यू नो आई शुड ट्राई वाओ का जो अनियन रेंज है उसको भी एंड शेयर माय फीडबैक, शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन माय चैनल. सो आज वाले वीडियो में मैं वही जो वाओ की जो कम्प्लीट हेयर फॉल किट है, अनियन किट है, उसके बारे में रिव्यू करने वाली हूँ. तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, उस वाले वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये किट हमारे लिए काम करती है, मामा अर्थ उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ये वो. गाइस बिल्कुल पॉसिबल है, कॉज हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए काम करे आपके लिए काम नहीं करे. मैं अपने वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है, लाइक जो भी मेरे बालों पर या जो भी चीज़ मेरे लिए कैसे काम करी है वो चीज़ शेयर करती हूँ. तो इट कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर यू एंड मी. सो येस, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड डोंट spread hatred on this channel, cause I really don't like it and nobody should appreciate the hate. So yes, without further ado, let's get started. सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस की तरफ से, वो है ये वाओ अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल. इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी गई है. काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसकी पैकेजिंग को देख के. काफ़ी मजबूत बॉटल है एंड यहाँ पे ऐसे कैप दिया गया है. मैंने कैप गिरा दिया. This is the cap and ऊपर जो packaging दी गई है, pump style वाली packaging दी गई है, जो कि इस package को, like इस bottle को काफ़ी ज़्यादा travel friendly and काफ़ी ज़्यादा easy to use बना देता है. इसकी जो packaging है उस पर कहता है कि ये non-sticky, non-greasy hair oil है for silky and smooth है. And जो इसके ingredients हैं वो है sweet almond oil, extra virgin olive oil, castor oil, jojoba oil, moroccan argan oil, coconut oil, onion सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल एंड विटामिन ई. जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल भी आपके बालों को हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं. एंड एज आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम पास्ट 25 डेज, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं. लाइक बालों में लाइक पीछे जब बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं, जब आप लाइक बहुत स्टाइलिंग करते हैं या फिर आप अपने बालों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टैंगल होना शुरू हो जाते हैं. बट इस वाले ऑयल को यूज़ करने के बाद मेरे जो बालों की जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा से रीस्टोर हुई है. एंड उसी की वजह से मेरे जो बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते थे वो नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्ड हेयर हो गए मेरे. मुझे बहुत खुशी होती है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, कॉज मेरे बालों पे काम किया एंड होपफुली अगर आपके बालों का टेक्सचर मेरे बालों जैसा है तो ये आपके लिए भी काम करेगा. इसके बाद आई विल मूव ऑन टू अदर प्रोडक्ट. लेट मी शो यू वॉट इज द अदर प्रोडक्ट. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो वाओ स्किन साइंस की तरफ से रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू है. दिस इज द पैकेजिंग. इसका पैकेजिंग भी सेम पंप स्टाइल वाला है एंड पंप स्टाइल की पैकेजिंग होने की वजह से आप इसको यूज़ करने के बाद लॉक कर सकते हैं. लॉक करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट स्पिलेज नहीं होगा, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. पैकेजिंग पे कहता है नो पैराबीन, सल्फेट, सिलिकॉन, कलर PEG, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. तो गाइज मैं इस प्रोडक्ट को भी सेम लाइक पूरी किट को 25 दिनों से यूज़ कर रही हूँ. एंड जो ये वाला शैम्पू है इस पर कहता है कि हेल्प स्ट्रेंथन, सॉफ्टन एंड रीस्टोर शाइन. एंड ये मेरे बालों पे एग्जैक्टली काम करता है द वे इट सेज. दिस इज़ परफेक्ट अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं, अगर आपके बालों पे कोई यू नो ट्रीटमेंट आपने कराया हुआ है, लाइक रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कुछ कराया हुआ है, तो भी ये जो प्रोडक्ट है आपके बालों पे बिल्कुल काम करने वाला है. एंड इसमें कहता है जब आपको यूज़ कैसे करना है इसको, सिंपली आपको यू नो बाल गीले करने के बाद जैसे आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे ही इसको यूज़ करने, तो कुछ नया नहीं है. बट जब आप इसको यूज़ करें तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ना लें, बिकॉज ज़्यादा क्वान्टिटी से लाइक अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा झाग हो रहा है तो शैम्पू अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे तो भी आपके बालों में बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत झाग जो झाग होता है वो नहीं बनाएगा, स्टिल ये काम करता है. एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट की जो जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर डाल दूंगी, बिकॉज थोड़ी लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बट जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं, तो आपके बालों में काफ़ी अच्छे से काम करने वाले हैं. दिस प्रोडक्ट्स वर्क्स वंडर फॉर मी.
The next product that we have is the conditioner. This is the packaging. This is how it looks. Iski jo packaging hai wo exactly same shampoo ke jaisi hai, size bhi exactly same hai. And samne ki jo front cheeze hai wo bhi exactly same hai. But jo ingredients hai wo obviously different hai cause ye conditioner hai wo shampoo hai. Sare ingredients main yahan pe likh dungi. And ye bottle kehti hai ki strengthen hair follicles, reduce hair fall and breakage, repair and protect damaged hair, add luster and volume to dump limp hair. And इसकी जो packaging है, जितनी भी चीजें कहती है, वो सारी की सारी काम करती है. ये product absolutely बालों पे बहुत अच्छे से काम करता है. लेकिन इसको use करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको हमेशा shampoo के बाद use करें. And one more thing, जब भी आप shampoo के बाद conditioner use करते हैं, तो अपने बालों को छोटे-छोटे sections में divide करने के बाद जो product है उसको अच्छे से अपने बालों पे इस तरीके से emulsify करना है. And emulsify करने के बाद at least 3 to 5 minutes अपने बालों पर रखना है for best results. Cause you know sometimes क्या होता है कि हम conditioner use तो करते हैं, हमें लगता है कि results नहीं आ रहे हैं. Results इसीलिए नहीं आते हैं cause जब हम conditioner अच्छे से use नहीं करेंगे तो वो अच्छे results नहीं देगा. तो make sure आप अपने conditioner को अच्छे से emulsify करें and उसको at least 3 to 5 minutes अपने बालों पर रखें. And जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा time हो, जब आपके पास like 15-20 मिनट हो, Saturday Sunday हो, तो आप उस दिन conditioner की जगह use कर सकते हैं hair mask. Cause hair mask का result जो होता है, वो conditioner से better होता है. And जो wow का जो ये वाला hair mask है, guys trust me, इसका price 499 rupees है for 200 ml product, which is completely worth it. And look at the packaging. Packaging looks as if ये कोई बहुत ही बड़े brand का packaging है, काफी ज़्यादा royal packaging है, मुझे बहुत अच्छी packaging लगी. पूरा ये वाला जो ढक्कन है, इस तरीके से ऐसे अंदर product आता है, पूरा ऊपर तक bottle है, तो product काफी ज़्यादा आता है इसमें. And इसकी जो bottle है, like इसका जो डब्बी है, उसपे ये कहता है, let me just show it to you. ये कहता है कि reduce hair loss, repair brittle, broken, brokerage, prone hair. And जितनी भी premature grain, जितनी भी बालों की बहुत ज़्यादा problems होती हैं, dandruff का, इसी scalp का, आपको अगर problem है कि जो like यहाँ पे white white patches बन जाते हैं, वो वाला problem है, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा rough हो चुके हैं, दो मुँह बाल हो चुके हैं, तो उन सारी problems पे ये वाला जो hair mask है, बहुत अच्छे से काम करेगा. And इसको भी apply करने के लिए आपको same अपने बालों को छोटे-छोटे sections में divide करना है. And उसके बाद आपको product अच्छी quantity में लेना है. And उसके बाद आपके बालों पे अच्छे से emulsify करना है. Emulsify करने के बाद at least 15 to 20 minutes अपने बालों पे इस product को रखिए. अगर आपके पास hair spa cap है तो वो use कर लीजिए. अगर hair spa cap नहीं है तो आप like जो towel होता है उसको गर्म पानी में dip करने के बाद अपने बालों पे wrap कर लो. And ये product बहुत अच्छे से आपके काम आने वाला है. ऑयल को लगाने के लिए सबसे पहले अपनी हथेली पे ऑयल ले लें एंड दोनों हाथों के बीच में अच्छे से मलने के बाद अपनी स्कैल्प पर अच्छे से मसाज दें. एंड मेक श्योर अपने धीरे हाथों से, लाइक बहुत ही हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पे मसाज दें. एंड स्कैल्प पे मसाज करने के बाद पूरी लेंथ में सेम हेयर ऑयल को लगा लें. एंड हेयर ऑयल को एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए अपने बालों पर छोड़ दें या फिर ओवरनाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. उसके बाद बात करते हैं शैम्पू की. शैम्पू की जो कंसिस्टेंसी है वो जेल एंड क्रीम के बीच की है. जो शैम्पू की क्वांटिटी आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है. शैम्पू को अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्कैल्प पे धुलना है, लाइक स्कैल्प पे लगाना है. एंड जो शैम्पू आपकी स्कैल्प से नीचे आए उसी को लेंथ में यूज़ करना है. कोई भी अलग से शैम्पू लेंथ के लिए यूज़ नहीं करना है. शैम्पू करने के बाद बारी आती है कंडिश्नर की. कंडिश्नर को अच्छी क्वांटिटी में लेने के बाद बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके अच्छे से इमल्सीफाई करके लगाएं. एंड जब बालों पर आप कंडिश्नर को अच्छे से इमल्सीफाई कर लें तो उसके बाद एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स अपने बालों पर कंडीशनर को छोड़ दें. एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑन माय हेयर. मैंने कोई भी सिरम या फिर ब्लो ड्राई नहीं किया अपने बालों को. मेरे बाल एयर ड्राई हुए हैं. इनफैक्ट मैंने कोम्ब भी नहीं किया. मैंने सिर्फ अपनी फिंगर्स से अपने बालों को सुलझाया है. एंड दिस इज़ द रिजल्ट. आई एब्सोल्युटली लव द रिजल्ट ऑफ दिस होल किट ऑन माई हेयर. So if I talk about this kit overall, this kit works absolutely gorgeous on my hair. मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बालों में वापस आ गया है, बाल बिल्कुल भी उलझते नहीं हैं. So I am really happy about all these products. And hopefully ये वीडियो देखने के बाद आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए.
तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।